फ्रेंड्स, Redmi Note 4 एक ऑसम डिवाइस है, एटलीस्ट अपने प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती, पता नहीं ऐसा किसने बोला, बट मैं बोलता हूँ आइए इस ऑसम डिवाइस को कुछ चीज़ें ऐड करके हम और भी ऑसम बनाते हैं। हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान एंड यू आर वॉचिंग आईफोन अनबॉक्स। गाइज, हर चीज़ हर एक को नहीं भाती, जो मुझे पसंद है शायद आपको अच्छा ना लगे, बट आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होगा, आप इसको ज़रूर पूरा देखिए। सबसे पहला चीज़ जो मैंने किया, अपने Redmi Note 4 का बूट लोडर अनलॉक किया, उस पर टॉप रिकवरी TWRP रिकवरी इंस्टॉल किया और फ्लैश किया ऑलरेडी एक ऑसम रॉम रीजरक्शन रिमिक्स का फाइनल बिल्ड, और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो। ये रॉम बहुत ही कूल है एंड वन ऑफ द मोस्ट फीचर पैक्ड रॉम है ये। वैसे तो रॉम में प्री इंस्टॉल्ड 3 लॉन्चर्स ऑलरेडी मिलते हैं, इवन पिक्सल लॉन्चर भी, बट मैंने अपने नोट 4 को बिल्कुल लेटेस्ट लुक देने के लिए इस पर इंस्टॉल किया पिक्सल 2 लॉन्चर अपडेटेड वर्जन। और गाइज, इसको कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जब आप इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ऑलरेडी एक पिक्सल लॉन्चर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। उसके लिए आपको करना यह है कि फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप सिस्टम में जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी रूटेड हैं तो सिस्टम में जाइए। सिस्टम में जाने के बाद आप ऐप्स पे क्लिक कीजिए, ऐप्स का फोल्डर आपको दिखेगा और वहाँ आपको एक फोल्डर नेक्सस लॉन्चर का दिखेगा। आपको जस्ट फोल्डर को ओपन करना है और उस APK फाइल को रीनेम करके उसका K डिलीट कर दीजिए। पूरा फाइल डिलीट मत कीजिए, APK का K डिलीट कर दीजिए और उसके बाद फ़ोन को रीस्टार्ट कर दीजिए। अब आप पिक्सल 2 लॉन्चर का लेटेस्ट APK अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस, पिक्सल 2 लॉन्चर में सर्च बार गूगल का बॉटम में मिलता है, पिक्सल का लुक नहीं देगा क्योंकि यहां आपको ऑन स्क्रीन बटन नहीं मिलता। इसके लिए आपको रॉम के कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, वहां सीधे बटन्स वाले टैब पे क्लिक कीजिए। नेविगेशन पे क्लिक कीजिए एंड नेविगेशन बार को इनेबल कर दीजिए। अब आप चाहे तो अपने हार्डवेयर कीज़ को डिसेबल भी कर सकते हैं। गाइज, अब हम ट्राई करेंगे पिक्सल 2 का लाइव वॉलपेपर। गाइज, ये एक नेक्स्ट जनरेशन का वॉलपेपर है एंड पिक्सल 2 का फील देने के लिए मैंने ये लाइव वॉलपेपर अपने डिवाइस में इंस्टॉल किया, और ये सारे APK का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसलिए डोंट वरी। फ्रेंड्स, ये लाइव वॉलपेपर्स काफ़ी कूल दिखते हैं, बट अगर आपको डिवाइस में लैग्स महसूस हो तो आप नीचे गूगल अर्थ वॉलपेपर ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल वॉलपेपर पिक्सल 2 का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गाइज, अब बात करेंगे कैमरा के बारे में, एंड ये है गूगल का लेटेस्ट HDR+ कैमरा। और अच्छी बात यह है कि मैंने इसको इंस्टॉल किया, ट्राई किया और बिना बिल्ड प्रॉप को एडिट किए हुए ये परफेक्टली काम कर रहा है। गाइज, मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस शेयर करता हूँ, पहले अपने डिवाइस में ट्राई करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं फेक वीडियोस नहीं बनाता और ना मुझे ये करना पसंद है। और अभी मैं आपके साथ 2 इमेजेस शेयर कर रहा हूँ, एक मैंने अपने Redmi 4 पे यूज़ किया है गूगल HDR+ कैमरा, उसी से लिया गया इमेज, और दूसरा है मैंने अपने ही ऑफिस के कोलीग जो Redmi Note 4 में MIUI का ऑफिशियल रॉम यूज़ कर रहे थे उनके डिफ़ॉल्ट कैमरे से। सी द डिफरेंस गाइज। अगर पिक्सल 2 के लाइव वॉलपेपर्स आपको पसंद नहीं आए या आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते लैग्स के कारण,
तो मैं आपके साथ यहाँ पे Google Pixel 2 का डिफ़ॉल्ट कुछ वॉलपेपर्स शेयर कर रहा हूँ, और इसके लिए आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, दो ज़िप फाइल है, एक्सट्रैक्ट कीजिए और सारे वॉलपेपर्स को अपने गैलरी में कॉपी कर लीजिए और करके ट्राई कीजिए। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और आपका सपोर्ट चाहिए गाइज। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा। गाइज मैं ऑफिस से घर लौट कर रात को ये वीडियोज़ बनाता हूँ आपके लिए, प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।